गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा 12th क्लास के बायो मॉलिक्यूल्स में हम ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स हमारे पास ग्लूकोज होता है। इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं और ग्लूकोज हनी में होता है, ग्लूकोज पके हुए अंगूर में होता है, 20% ग्लूकोज होता है उसमें, और ग्लूकोज हर मीठी चीज़ में होता है। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, और इसको ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं क्योंकि डी फॉर्म में हमें नेचर से ये मिलता है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लूकोज का प्रिपरेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। ग्लूकोज का प्रिपरेशन ऐसे कि हम केन शुगर, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं, यानी कि चीनी में पानी डाला जाए सुक्रोज में, हमें मिल जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज। दोनों ग्लूकोज का फार्मूला भी वही है, C6H12O6, फ्रक्टोज का फार्मूला भी वही है। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है और फ्रक्टोज फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोज है। ये लेबोरेटरी मेथड है इसका। अब आता है दूसरा, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज C6H10O5 स्टार्च या सेलुलोज का फार्मूला है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल डालिए एंड नंबर्स, एसिड की प्रेजेंस में हीट करिए इसको, हीट मैंने ट्राइंगल का निशान डाला है, इसका मतलब हीट करिए, और एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, एंड C6H12O6 मिलता है। ये कॉपी पेन लीजिए, नोट भी करते जाइए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन सीधे स्ट्रेट चेन में लीजिए और हर एक कार्बन के राइट साइड को OH लिखिए। पहले नंबर पर CHO फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड का लिखिए, तीसरे नंबर पर OH लेफ्ट को लिखिए, और बाकी जो तीन रहते हैं, 1, 2, 3 पर राइट को, दूसरे नंबर पर भी राइट को OH, और तीसरे नंबर पर ग्लूकोज की सबसे बड़ी पहचान है, तीसरे नंबर पर OH लेफ्ट को रखना, यही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी पहचान है। उसके बाद हम आते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज कॉल्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन सा स्ट्रक्चर? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये जब भी कोई पूछे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दीजिए बच्चों, आपने ये देना है, याद रखिए। उसके बाद आता है प्रोलॉन्ग हीटिंग। अब ये हम प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, उसके एविडेंस में कुछ रिएक्शन देंगे हम। पहली रिएक्शन हमारे पास प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। ग्लूकोज को काफ़ी देर के लिए HI के साथ हम जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए हमें हीट किया रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में 383 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो हमें क्या मिलता है, हमें हेक्सेन मिलता है, नॉर्मल हेक्सेन हर एक ओर मूव हो जाता है। आपको पता है ओकर मूव होने को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिएक्शन की रिडक्शन होती है, इसका मतलब ग्लूकोज की रिडक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ HI और रेड फॉस्फोरस की मदद से 383 पर, तो हमें एन हेक्सेन मिलता है। इट कन्फर्म्स के ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, ये प्रूव करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आइडोहेक्सेन भी बनता है। बोलो सर आइडोहेक्सेन क्या होता है, 2 आइडोहेक्सेन भी बनता है, 2 चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, तो आप दूसरी इसको प्लस करिए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ पर 2 नंबर पर आप I लिख दीजिए, तो बाकी ये CHO ऐसे ही रहेगा, आइडोहेक्सेन लिखना सॉरी, ये CH3 है, बाकी हर जगह अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि सारे ओर मूव हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड आइडोहेक्सेन। तो 2 कंपाउंड बना, 1 बना 2 आइडोहेक्सेन, आइडोहेक्सेन और 1 बना हेक्सेन। ये दोनों कंपाउंड ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ओपन चेन स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन होते हैं। अब हम चलते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन। हाइड्रोक्सिलमीन का फार्मूला होता है NH2OH। NH2OH के साथ जब रिएक्शन करते हैं, देखिए यहाँ से H और O निकल जाएगा, एल्डिहाइड का O निकल जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, तो यहाँ क्या बनेगा आगे, CH वैसे ही है, डबल बॉन्ड भी रहेगी, और यहाँ बचा N और OH, जिसमें पहले नंबर कार्बन पर एल्डिहाइड कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक हो रहा रिएक्शन का, यहाँ NOH बन रहा है, NOH यहाँ होता है एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये उसको एंजाइम बोलते हैं। तो बच्चों ये ग्लूकोज एंजाइम बनता है। दिस रिएक्शन कन्फर्म्स दैट ग्लूकोज कंटेन 1 कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड O, और जिसके बाद रिएक्शन हो रही है, ये कन्फर्म करता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप 1 होता है। दूसरा कन्फर्म करता है ग्लूकोज में ओपन चेन में 6 कार्बन होते हैं और स्ट्रेट चेन में होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ। तीसरी रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन विद, किसके साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का माइल्ड का मतलब होता है वीक, थोड़ा वीक ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। उसके जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोमीन वाटर लिया हमने, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ मैंने वो लिखा हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ वो होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये CHO था, ये COOH बन गया, और बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रह गया। दिस कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड, तो एडिशन ऑफ वो हो रहा है यहाँ पर, तो ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, दिस कन्फर्म्स
दैट ये क्या कन्फर्म कर रहा है कि रिएक्शन जो है एल्डिहाइड वाले पार्ट पर हो रही है, एल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप पर हो रही है। इसका ये फिर इंडिकेट कन्फर्म कर रही है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है। हम ये एविडेंस दे रहे हैं जैसे एक वकील एविडेंस देता है ना किसी केस के बारे में, हम भी ये एविडेंस दे रहे हैं कि भाई ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आपने सुना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास टॉलिन रिएजेंट होता है, फैलिंग सॉल्यूशन होता है, उस टॉलिन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन इसका होता है। अब कैसे होता है इसी ग्लूकोज को, इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है, यहाँ पर इसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना आपने। हमारे हम इस टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन ऐसे कर सकते हैं कि आप ये लीजिए ग्लूकोज, मैं यहाँ से कर दूँगा ग्लूकोज टॉलिन, इसमें डालता हूँ मैं टॉलिन रिएजेंट, इसी टॉलिन रिएजेंट Cu2O दिस इज कॉल्ड टॉलिन रिएजेंट, TOLIN टॉलिन रिएजेंट, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। जैसे हमने ये टॉलिन रिएजेंट डाला तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड तो यही हो गया, एक तो यही मिलेगा और दूसरा इसके साथ क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा और प्लस Cu2O मिलेगा। अब ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, CuPROUS क्यूप्रस ऑक्साइड, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें यहाँ पर। एक तो यानी कि अगर हम इसमें ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, पहले हमने इसमें डाला था ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर के सारे एक्शन थे Br2H2O, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ली। अब हमने टॉलिन रिएजेंट ले लिया यहाँ पर और टॉलिन रिएजेंट के साथ हमें क्या मिल रहा है, क्यूप्रक्स ऑक्साइड जो है ये, और क्यूप्रक्स ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट होता है रिएक्शन में, ये प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, ये जब आपका प्रैक्टिकल होता है वहाँ में पूछा जाता है टॉलिन रिएजेंट के साथ ग्लूकोज क्या देता है, तो रेड ये क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ बनता है। तो पहले क्या था, यहाँ देखिए यहाँ Cu2, ये Cu2O था, तो इसके साथ आगे क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पर बना हुआ है प्लस टॉलिन रिएजेंट के साथ इसने क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, हम लेते हैं फैलिंग, इसके बदले फैलिंग सॉल्यूशन लें तो फिर क्या होगा, उसके साथ क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट एक्शन आती है हमारे पास एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का एसिटिलेशन करते हैं तो फिर क्या होगा, यानी कि इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड हम डालते हैं इसमें, तो हर एक जगह से देखिए जहाँ भी एच है एच हट जाएगा और यहाँ से COCH3 एडजस्ट हो जाएगा, इसका COCH3 तो कितने बन गए, ये 1 2 3 4 5 जहाँ भी एच ओ एच था इसे अल्कोहलिक वाले पार्ट से रिएक्शन करिए, जहाँ भी ओ एच था तो ओ एच को रिमूव किया, रिडक्शन हुई है, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बना इसमें। अब आप सोचोगे सर ग्लूकोज पेंटाएसीटेट से आप यहाँ क्या कन्फर्म करने जा रहे हैं, ये यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ग्लूकोज में 5 OH होते हैं, 5 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। अब ये पता नहीं कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है या सेकेंडरी है, लेकिन है 5, दिस इज कन्फर्म। नेक्स्ट सेक्शन आती है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड, इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन जब हो रही है तो अब यहाँ देखिए आप ये दोनों हिस्से, ये नीचे वाला वो ओ एच जो है वो बना रहा है हमारे पास COOH, और ऑक्सीडेशन से आपको पता है टॉप वाला OH तो पहले से ही बन रहा था माइल्ड में भी, लेकिन हम प्राइमरी अल्कोहल भी रिएक्ट कर गया, यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल होता, अल्कोहलिक ग्रुप एक होता है प्राइमरी तभी है। अब आप बोलो सर इसमें क्या बने, इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड ये बना। अब इसके बाद और भी इसकी छोटी मोटी रिएक्शन होती हैं, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है बच्चों को पूछा जाता है हर क्लासेज में भी आती है ये, कि ग्लूकोज की जब रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ होती है तो क्या बनाता है, तो डरिए बात रिएक्शन से कि लंबी चौड़ी रिएक्शन शक्ल से मत डरना। हमारे पास ये ग्लूकोज है, तीन चार पाँच और छः, अब यहाँ देखिए ये मैं ग्लूकोज को मालिक ले रहा हूँ, इसको हम डी ग्लूकोज बोलते हैं, और मैं ले रहा हूँ इसका फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ इसकी। फिनाइल हाइड्रोजन बच्चों क्या होता है, C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है, ये दो एच निकलेंगे यहाँ से और ये रिएक्शन करेंगे ओ के साथ, तो यहाँ चिपक जाएंगे ये ऐसे डबल वन ओ, ये एन आ गया
फिर NH C6H5, ये नंबर इसने सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करा हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर को इसने हाथ लगा देखा तक नहीं इसने, बाकी को बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं है इसमें। यहाँ पर मत इसके बचपन मत करिएगा कि बड़ा मुश्किल है सर, कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ देखना 1 2 3 4 5 और ये छठा, देखो ये ग्लूकोस फिनाइल हाइड्राजोन, ये बन गया ग्लूकोस फिनाइल हाइड्राजोन। अब ये रिएक्शन यहाँ ही नहीं टिकती है, ये रिएक्शन फिर आगे चलेगी, अब मैं नीचे नहीं बनाऊंगा इसके लिए, यहाँ भी बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल इसमें और डालते हैं इसका फिनाइल हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल डालना जी, NH C6H5 एक मॉलिक्यूल और फिनाइल हाइड्राजीन का डालेंगे तो ये सेकंड मॉलिक्यूल में से इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। अब कैसे करेगा देखिए, ये सी ए पहला मॉलिक्यूल को तो पहला वाला जो रिएक्शन हो चुकी है कार्बोनाइल ग्रुप पर, उसको ये हाथ नहीं लगाएगा, देखेगा नहीं इसको, ये बड़े सिस्टम में चलता है। अब देखिए ये दूसरा, ये सी डबल बॉन्ड वो बन जाएगा, बाकी वैसे ही, बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 ये जैसे था वैसे ही, इसको कुछ नहीं करना हमने, OH और तीसरे नंबर पर OH सेट हुआ है ये। और इसके बाद क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल और डालिए इसमें, फिर फिनाइल हाइड्राजीन का एक मॉलिक्यूल और डालिए इसी में, अब फिर एक मॉलिक्यूल और डालिए, ये है NH2 NH C6H5, ये फिनाइल हाइड्राजीन है, फिर क्या होता है देखिए, ये ऐसे ही रहेगा C11 NH C6H5 और फिर यहाँ ये C11O, पर अब ये C11O नहीं देगा, अब इसकी भी हालत वही हो जाएगी, ये डबल ये ओ ले जाएगा, वाटर मूव हो जाएगा यहाँ से और यहाँ बन जाएगा जैसे उसमें बना था N, फिर NH C6H5, दूसरा तीसरा कार्बन चौथा कार्बन पांचवा कार्बन छठा, अब वो तीसरे में OH राइट को होता है लेफ्ट को होता है OH इसका नाम है ग्लूकोसा जोन, GLU ग्लूकोसा जोन। तो बच्चों ये ग्लूकोस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसा जोन इंडिकेट्स दैट ग्लूकोस में जो हमारे पास होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस होती है। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शंस करी, मुझे मेरे आपको ये समझ आ चुकी होगी। एक रिएक्शन और कर लेते हैं हम कि ग्लूकोस में अल्कोहलिक ग्रुप कितने होते हैं, 5 हमने पहले ही कन्फर्म करा। अब वो रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ ग्लूकोस, रिडक्शन में हम ले रहे हैं ग्लूकोस वैसे ही, रिडक्शन जो करना है वो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम का मतलब जो आपको होता है किसी चीज में मरकरी का डालना और प्लस 2H हो जाएंगे, यहाँ पर आपके वो क्या मिल जाएगा इसका, ये 5OH वैसे ही रहेंगे, आपको एक और नया एक और स्ट्रक्चर OH, पहला भी OH में कन्वर्ट हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन हो गई इसकी। तो ये डी ग्लूकोस है 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये OH इसी नंबर पर OH साइड को H इधर OH। अब आप देखेंगे हर कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और ये एल्डो ये क्या बोल रहे हैं इसको आप, 6 ग्रुप इसमें लग चुके हैं और 6 इसको बोलते हैं हेक्साहाइड्रोल, इनके 6 ग्रुप है OH के और इसको सॉर्बिटॉल बोलते हैं SORBI सॉर्बिटॉल। आप बोलोगे अब सॉर्बिटॉल क्या इंडिकेट कर रहा है,
एक तो ये इंडिकेटर कर रहा है 6 ग्रुप है, दूसरा ये कर रहा है कार्बोनाइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड्स जब भी रिएक्ट करते हैं अल्कोहल बनाते हैं तो ये रिएक्शन पूरी हो गई। अब बच्चों यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जो ग्लूकोज शो नहीं करता है, उससे हमें वो कौन सी रिएक्शन हैं उनको हम पढ़ेंगे, जहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर भी है जिसको रिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, वो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।